वेलकम टू आवर चैनल आर एस फाइनल डेस्टिनेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी और उसके बाद हमने 20 क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया था। तो एक्चुअली हमने दो बार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, बट उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आज से जो है आपको प्रॉपर टाइम पर वीडियो मिलेगा। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास वन में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, हिंदी में समास वर्णमाला, रीजनिंग में पासा कैलेंडर, मैथ में औसत, और सामान्य अध्ययन में जनसंख्या और नगरीकरण, और विज्ञान में प्रकाश और ध्वनि। तो अब आज की क्लास में मैं प्रकाश जो है टॉपिक उसको कवर करने जा रही हूँ। तो हम केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में हम लोग जब पीसीएस या यूपीएससी की क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम डिटेल में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चंस में देकर आपको पूछ सकता है कि मतलब इनकी प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रकाश की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, प्रकाश है क्या। तो बेसिकली प्रकाश जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि सरल रेखा में गति करता है, और इसको गति करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसकी जो चाल है वो डिपेंड करती है मीडियम पर, मतलब मीडियम का जो डेंसर मीडियम है या फिर रेयरर मीडियम है, चाल मीडियम पर डिपेंड करती है, लेकिन इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और प्रकाश जो है दोहरी प्रवृत्ति शो करता है। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ कि ये कण की तरह भी रिएक्ट करता है और ये एज अ तरंग भी रिएक्ट करता है। कण की तरह जो कणिका सिद्धांत था वो न्यूटन ने दिया था, और उन्होंने ये बोला था जो प्रकाश संचरण करता है किसी माध्यम में वो कण के फॉर्म में करता है। और जो तरंग सिद्धांत था वो जो एक महान साइंटिस्ट थे हमारे हाइगेंस, उन्होंने दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और वो तरंग के फॉर्म में बिहेव करता है। इसके अलावा एक व्यतिकरण सिद्धांत है, व्यतिकरण सिद्धांत हमारा दिया था थॉमस यंग ने। ठीक है, एक हमें जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रकाश की चाल है, जो कि हम सभी जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रकाश की चाल है उसकी खोज किसने की थी, वो रोमर ने की थी। इसके अतिरिक्त सीवी रमन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्ज़ाम में कि सीवी रमन जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1930 में, और उनको मिला है प्रकाश के प्रकीर्णन के विस्तृत अध्ययन के लिए। तो ये चीज़ याद रखना है कि सीवी रमन जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट भी दिया था और उन्होंने प्रकीर्णन की विस्तृत व्याख्या की थी, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1930 में। तो ये मेन पॉइंट्स हैं कि कणिका सिद्धांत हमारा न्यूटन ने दिया, जो एक विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत है वो मैक्सवेल ने दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, यानी कि हमें पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो मैक्सिमम होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जब वो निर्वात से किसी अन्य मीडियम में प्रवेश करता है, जैसे लाइक कोई भी डेंसर मीडियम हो, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है, तो उसमें उसकी चाल जो है वो बदल जाती है, घट जाती है। जैसे जैसे प्रकाश अगर वो निर्वात से जल में आ रहा है, अगर वो निर्वात से जल में आ रहा है तो उसकी जो चाल है वो 25% तक कम हो जाती है, और अगर वो निर्वात से कांच में प्रवेश कर रहा है, यानी कि विरल माध्यम से अत्यंत सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो उसकी चाल 35% तक कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाल डिपेंड करती है मीडियम पर, ठीक है, प्रकाश का संचरण डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रकाश की चाल डिपेंड करती है मीडियम पर, और वो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है तो जो प्रकाश है उसकी चाल घटती चली जाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लाइट के अंदर, लाइट चैप्टर के अंदर आते हैं, वो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, इस टाइप के चैप्टर्स हैं। परावर्तन हमारा क्या होता है कि परावर्तन जब आपतित किरण
और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक तल में उपस्थित होते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसके दो नियम होते हैं। एक तो पहला तो ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा कि जो आपतन कोण होता है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है, और जो परावर्तित कोण है जो कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, वो दोनों ही इक्वल होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में कोई भी किरण जो है वो आती है और वो वापस जिस माध्यम में से आती है उसी माध्यम में वो वापस अवरोध के द्वारा टकराकर वो वापस लौट जाती है। अपवर्तन के बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन के कुछ एग्जांपल्स जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अपवर्तन पहली बात तो होता क्या है कि जब एक माध्यम से तरंग संचरण करते हो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से कुछ दूर विचलित हो जाती है, कुछ दूर हट जाती है, और ये जो उसका विचलन होता है वो डिपेंड करता है जो दूसरा मीडियम है उसकी सघनता कितनी है, कि वो जो प्रकाश किरण है वो विरल से सघन में प्रवेश कर रहे हैं या सरल से सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, एग्जाम में पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो अपवर्तन का, परावर्तन का, विवर्तन का या व्यतिकरण, कुछ भी आपको एग्जाम ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो तारों का टिमटिमाना जो रिफ्रैक्शन है इसका एग्जाम्पल है अपवर्तन का। इसके अलावा जो बाल्टी होती है, बाल्टी में सिक्का अगर हम डालें तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ नज़र आता है, वो भी एग्जाम्पल अपवर्तन का है। इसके अलावा अगर छड़ी हो कोई और वो पानी में डूबी हुई हो बाल्टी, किसी बाल्टी में, तो वो भी कुछ अपना वास्तविक स्थिति से उठी हुई और थोड़ी टेढ़ी नज़र आती है, तो वो भी उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो वो क्षितिज के नीचे, मतलब वो क्षितिज जो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसके नीचे होते हुए भी आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो भी आपका अपवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा आपका विवर्तन, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें एक और चीज़, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तन में अगर जो किरण है वो आपकी अगर विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब के पास झुकेगी। तो अगर किरण विरल माध्यम से, ये हमारा विरल माध्यम कुछ भी हो सकता है जैसे कि एयर, ठीक है, वायु, तो विरल और सघन माध्यम जैसे कि हमारा हो सकता है कांच, ठीक है, तो विरल से जब सघन में आती है तो जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं विवर्तन की। विवर्तन का थोड़ा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जब भी कोई किरण किसी मीडियम में संचरण कर रही है, गमन कर रही है, और अवरोधक आने पर क्या होता है कि जो किनारों, जो अवरोधक आया तो जो प्रकाश है वो किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई ब्लेड है, ब्लेड पर आपने कोई प्रकाश डाला तो जो ब्लेड की आकृति है वो पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ ब्लेड की आकृति है वहाँ आपका अंधेरा नज़र आएगा, ठीक है, तो वो मुड़ जाता है। इसके अलावा है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण कौन सा कोण होता है, जो आपतित किरण जो ये है और अभिलंब इन दोनों के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू, इसका जो मान है जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो जैसे मृग तृष्णा होता है जो रेगिस्तान में मरीचिका बनती है, कि हमें जैसे हम रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत दूरी पर कुछ छाया का एहसास होता है, जल का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बस वास्तव में वहाँ जल होता नहीं है, वो केवल एक आभासी प्रतिबिंब होता है, वो एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके अलावा हीरे की चमक, जैसे हीरे की जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। एंडोस्कोप, जो कि हम स्टमक की जो डिसीज़ होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल केयर में यूज़ करते हैं उसको, वो भी टोटल इंटरनल, ये डायरेक्ट एग्जांपल आते हैं कि एंडोस्कोप किस क्रिया पर या कौन सा फिनोमिना है जिस पर वो वर्क करता है।
ऑप्टिकल फाइबर, ये भी हमें पता है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा भारत नेट के थ्रू सारे राजमार्गों को जोड़ रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू जोड़ रहे हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण जब आई तो आकर वो जो धूल वगैरह के कण होते हैं उसकी वजह से उसका क्या होता है, वो बिखराव हो जाता है प्रकाश का। तो जो प्रकाश है वो प्रकाश का बिखराव हो जाता है, इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे कि जल का जो नीला कलर है, वो जो समुद्र का नीला कलर हमें दिखाई देता है, रंग दिखाई, तो उसमें दो फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। एक तो है कि जो आकाश है, आकाश नीला होता है तो उसका परावर्तन, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। दूसरा जो होता है वो होता है जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन, उस लाइट का बिखराव हो जाता है जल के कणों द्वारा प्रकीर्णन, उसकी वजह से समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसमें अगर दो एग्जाम दो ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन ऑप्शंस आते हैं तो वो दोनों ही सही होंगे। एक आता है तो मतलब इसमें स्कैटरिंग भी है और इसमें आकाश का परावर्तन भी है। इसके अलावा जो एक और एग्जाम्पल है वो है सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य का जो लाल रंग हमें दिखाई देता है, जब भी सनसेट या सनराइज होता है उस टाइम पर हमें जो सूर्य का कलर है वो लाल रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है लाल रंग मतलब जो उसमें से जो कलर है वो उसका बिखराव कर देता है। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में तीनों फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, तीन फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें अगर आता है आपके तीनों में से कोई भी तो वो तीनों ही आंसर होंगे। जैसे कि इसमें होता है परावर्तन, एक फिनोमिना होता है इसका परावर्तन, एक होता है इसमें अपवर्तन और एक होता है आपका प्रकीर्णन। तो ये तीनों ही फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंद्रधनुष में। तो ऑप्शन में अगर आता है इन तीनों में से कोई भी, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन, कौन सा जिम्मेदार है इंद्रधनुष के बनने में, तो ये तीनों ही हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रकीर्णन में जैसे स्कैटरिंग की अगर हम बात करें, जैसे सिग्नल्स होते हैं, इंजन होते हैं, इंजन में रेड कलर जो होता है हम आगे यूज़ करते हैं सिग्नल लाइट के लिए। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल जो लाल कलर का कलर रेड रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, वो उसका बिखराव उतना ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से हम जो इंजन्स होते हैं उसमें हम रेड कलर का यूज़ करते हैं, इंजन्स में जो लाल रंग का सिग्नल पर लाइट होती है। और जो आपका अगर हम बात करें लैम्डा की, लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब कि जो तरंग द्वारा एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसकी? रेड कलर की। लाल रंग की क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और लैम्डा मिनिमम होती है वॉयलेट की, बैंगनी कलर की जो लैम्डा होता है वो मिनिमम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि तरंग दैर्ध्य किसका मैक्सिमम या किसका मिनिमम होता है। इसके अलावा जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अपवर्तनांक के। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य इतनी मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम है तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा। तो ये जस्ट इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था, और इसके भी दो एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये कि जो तेल की बूंदों पर जब पानी पड़ जाता है तो वो रंगीन कलरफुल दिखाई देती हैं, तो वो किस वजह से दिखाई देती हैं? तो वो फिनोमिना, उसको उस फिनोमिना को हम बोलते हैं व्यतिकरण। इसके अलावा जो साबुन के बुलबुले हैं वो भी हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी किस वजह से होता है? वो भी व्यतिकरण। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं व्यतिकरण के। यहाँ पर हम सारे ही एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स डायरेक्ट एग्जाम में इन UP SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड उन सब में ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब भी वर्ण विक्षेपण मतलब वही के आपका जो श्वेत रंग होता है सफ़ेद कलर का प्रकाश होता है तो वो सात रंगों में अपना आपका डिवाइड हो जाता है जब हम उसको किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, और प्रिज्म से गुजारने पर जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे नीचे आधार पर और जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। ठीक है,
उसके अलावा हम ये सारा हमारा प्रकाश का है। इस प्रकाश में एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आते हैं, दर्पण। दर्पण कोई भी ऐसा मतलब कोई भी चीज़ जिस पर हम पीछे की साइड मतलब एक साइड उसकी क्या कर दें, हम कोई भी चमकीली धातु से हम उसका लेप कर दें तो उसको हम दर्पण कहते हैं। दर्पण भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। जो हमारा घरों में नॉर्मली यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम अपना गोलीय दर्पण। तो हाँ, दर्पण में अगर हम समतल दर्पण की बात करें जो हमारे घरों में होते हैं उनमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, आभासी होता है और वो हमें हमेशा सीधा नज़र आता है। जब हम अपना फेस शीशे में देखते हैं तो हमें सीधा दिखाई देता है, बट वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो आभासी होता है और सीधा होता है, और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये प्रतिबिंब आपको हमेशा दर्पण पर ही मिलेगा, ठीक है। जबकि ये जो है ये प्रतिबिंब, इससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है, ठीक है, और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम और गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण में हमारा दो टाइप होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण होता है, जो फ्रंट मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, जो फ्रंट मिरर होते हैं जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए काम आते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज़ हम वहाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज एरिया को कवर करता है और उससे बना जो प्रतिबिंब होता है वो आपको पता है, जब पीछे की साइड आप गाड़ियाँ देख रहे होते हैं तो छोटा प्रतिबिंब होता है, छोटी गाड़ियाँ दिखती हैं, तो छोटा होता है और आभासी होता है, क्योंकि वो आपको थोड़ा पास करके ट्रैफिक को दिखाता है, दूर करके नहीं दिखाता, दूर करके दिखाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण जो हम यूज़ करते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए, जो शेविंग मिरर होता है उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो, या जो डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये उसमें होता है अवतल दर्पण। इसके अलावा अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस, और दोनों से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आता है कि जैसे हमारे इससे दो जो आइज़ के दो दोष होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, और जो दूर दृष्टि दोष है उसको हम हाइपर मायोपिया बोलते हैं। तो ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग निकट और दूर दृष्टि दोष से याद तो रख लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जो मीनिंग आता है वो इंग्लिश का आ जाता है, मायोपिया या हाइपर मायोपिया, तो उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा निकट है और कौन सा दूरदृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष जो है उसमें जस्ट ऑपोजिट होता है, निकट में देखनी चाहिए कम दिखनी चाहिए पास की, लेकिन होता है इसमें उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, जो दूर की चीज़ें नहीं देख पाते उनको निकट दृष्टि दोष, और जो पास की नहीं देख पाते उनको दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया, और जो निकट दृष्टि दोष है उसको मायोपिया। और इन दोनों में लेंस कौन से यूज़ होते हैं, जो निकट दृष्टि दोष है यानी मायोपिया उसमें हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस। यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि मायोपिया में आप कौन सा लेंस यूज़ करते हो और हाइपर मायोपिया में कौन सा यूज़ करते हो। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी जो लेंस की क्षमता होती है, जो हमारा जो धूप का जो चश्मा होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि उसकी जो पावर होती है वो कितना होता है, वो 0 डायोप्टर होता है। और एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हैं, पी इक्वल टू 1/D, यानी कि अगर आपको डायोप्टर दे रखे हों तो आप उसकी क्षमता निकाल सकते हैं किसी भी लेंस की। और इसमें एक चीज़ आती है कि सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कि जो जैसे अगर आपका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, जो आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप यूज़ ही इसलिए करते हैं जिससे हमें उसका प्रतिबिंब बड़ा मिले, बड़ा मिले, और वो उतनी बड़ी तो होती नहीं चीज़, तो ऑब्वियसली वो आभासी है, वास्तविक तो है नहीं, वास्तविक और हमें सीधा प्रतिबिंब मिलता है, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आभासी ही मिलेगा क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, बड़ा ही मिलेगा क्योंकि माइक्रोस्कोप है, तभी तो उसको एज अ माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये इससे बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो अगर आपको एक याद है जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो आप संयुक्त वाले का
बाय कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें जो हमें याद रखनी है, जैसे खगोलीय दूरबीन की खोज किसने की थी, जो कि हमारी केपलर ने की थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन ने किया था, ये भी आ रखा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये हम सबको पता है 25 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमें उल्टा, वो हमारा उल्टा बनता है, लेकिन वो हमारे जो न्यूरॉन्स में जो सिग्नल्स जाते हैं उसकी वजह से वो हमें सीधा दिखाई देता है। तो वो उल्टा होता है लेकिन वास्तविक होता है, क्योंकि चीज़ें हमें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी वो हैं। इस ये हम पढ़ चुके हैं दूरदृष्टि दोष। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में, कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के एक का याद रखिए बस, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, तो संयुक्त में ऑब्वियसली उल्टा बनेगा। इसमें भी एक का याद रख लीजिए किसी का भी, जैसे निकट दृष्टि दोष है क्या, तो उसमें अवतल लेंस यूज़ होते हैं और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, तो जो हाइपर मायोपिया है उसमें आप ऑटोमेटिकली खुद ही बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हमारी डिसीज़ होती हैं जो आइज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि जरा दूरदर्शिता, वर्णांधता। ये वर्णांधता भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा गया था कि वर्णांधता जो है वो आनुवांशिक है या कैसा है, ठीक है, तो ये आनुवांशिक रोग होता है वर्णांधता। और ये भी हम आगे मतलब जब विटामिन्स वगैरह का पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और ये बेसिकली ये भी कि ये किस वजह से होता है, तो ये जो सेल्स होते हैं, जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारी आइज़ में, इस वजह से होता है वर्णांधता। जरा दूरदर्शिता में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा लेंस आप यूज़ करते हैं, तो जरा दूरदर्शिता मतलब जिनमें दोनों ही, जिनकी पास की भी नज़र कमज़ोर होती है और दूर की भी नज़र कमज़ोर होती है, तो उसमें हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो होता है द्विफोकल लेंस, ठीक है, द्विफोकसी लेंस। आबिंदुकता, ये भी लेंस मतलब आइज से रिलेटेड डिजीज़ है, और आबिंदुकता में जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो होता है हमारा बेलनाकार लेंस। तो ये चीज़ें हमें कुछ याद रखनी है। तरंग दैर्ध्य हमको आप ये याद रखना, आप मैक्सिमम किसकी होती है, मिनिमम किसकी होती है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। तो अगर हम बात करें लैम्डा की, तो लैम्डा चेंज हो मतलब लैम्डा तो हो गई, ठीक है, लैम्डा भी होता है, अपवर्तनांक भी होता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो अगर डेंसर मीडियम है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जो रेयरर मीडियम है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो लैम्डा एन ये सब परिवर्तित होते हैं, क्या परिवर्तित नहीं होता वो होती है आवृत्ति, यानी कि कभी भी अगर प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखना है, डायरेक्ट आपका पूछा जाता है। इसके अलावा जो बेसिक्स, जो प्राइमरी कलर हैं वो हमें पता है, वो होते हैं ग्रीन, रेड और लाल। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जो अंतरिक्ष से हम अगर आकाश को देखें तो हमें उसका रंग कैसा दिखाई देगा। ये बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, जब अंतरिक्ष से आकाश का रंग हम देखते हैं तो हमें काला, धरती से हमें आकाश को वो उसने नहीं पूछा, धरती से अगर हम आकाश को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो नीला है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की यात्री की बात करें तो अगर वो आकाश देखता है तो वो रंग काला, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल की कमी की वजह से वहाँ वो जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। इसके अलावा ये एक दो तीन पॉइंट्स और हैं, वो ये कि दर्पण में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी जो लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए तभी हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई, जैसे कि हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं तो हमारा जो शीशा होता है वो पूरा आधी उसका होता है। और अगर दो समांतर दर्पण अगर हम एक दूसरे से जोड़कर रख दें उनके, तो उनके और उनके बीच कोई इस वस्तु रख दें तो उनके अंदर जो बने प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या जो होगी वो अनंत होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बेसिक्स क्वेश्चन बस यही हैं, इतने जो आपको ध्यान में रखने हैं। और देख लेते हैं हम कुछ और छोड़ तो नहीं रहे हैं, ठीक है। लाल रंग का हमने पहले ही बताया कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे
ज़्यादा होती है और उसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए याद रखिएगा। तो इतना ही हमें बस प्रकाश में ध्यान रखना है। अगर हम इन इन बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता पक्की है। और जितनी भी हमारी वीडियोस आगे आ रही हैं, आने वाली हैं, अगर हाँ उनके बारे में या उनसे रिलेटेड आपको अगर कोई चीज़ कोई कमी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए।